पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि लक्षण दिखने के बाद ज्यादातर लोग परेशान हो जा रहे हैं और सीधा अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। महामारी के इस विकराल रूप पर लोगों की चिंताओं को दूर करने और कोरोना से संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए देश के तीन बड़े डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर की इस पैनल में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन शामिल हुए। इन डॉक्टर्स ने कोरोना से संबंधित कई जानकारियां लोगों की दी हैं। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है, इससे कुछ लोगों का वैक्सीन पर भरोसा कम होने लगा है। इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये गंभीर नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से मौत का खतरा बेहद कम हो जाता है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना न भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों ने वैक्सीन न लगवाई हो। एक बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि भीड़भाड़ से बचें और कमरे में हवा का वेंटिलेशन अच्छा रखें। कि 85% से अधिक मरीज एस्टेरॉयड या बिना किसी गंभीर दवाओं के घर पर ही ठीक हो सकते हैं। कुछ लक्षण हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ दवाओं, विटामिन, एक्सरसाइज और सकारात्मक दृष्टिकोण से ठीक हो सकते हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।